मैं मिस्टर प्रदीप कुमार मीणा, प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल के सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम हमेशा क्या है कि कृषि क्षेत्र की बात करते हैं और कृषि क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, मतलब कि किस प्रकार की खेती की जाए, किस प्रकार की सब्जियाँ डाली जाएँ जिससे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें हम लोग, तो ये सभी बातें ध्यान में रखने की है जो मैं आज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि भाई जनवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है, नया साल लग चुका है, तो जनवरी के अंदर कौन कौन सी सब्जी लगाई जा सकती है, ये हमारा आज का विषय है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर भिंडी की, भिंडी ओकरा लेडी फिंगर ये भिंडी है। तो हम भिंडी की कृषि कर सकते हैं, भिंडी हम जनवरी में तैयार लगाना स्टार्ट कर देंगे, जनवरी से लगभग मार्च या अप्रैल में भिंडी आना स्टार्ट हो जाएंगी, और उस टाइम पर जब मंडियों का भाव होगा भिंडी का 60 से 70 रुपये केजी, आपकी भिंडी बिकेंगी 60 से 70 रुपये केजी के हिसाब से, मतलब उस टाइम आप भिंडी का अच्छा मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है आपको भिंडी की खेती में। इसके बाद हम बात करते हैं करेला की कृषि की। करेला से ऐसे भी विटामिन सी प्राप्त होता है हम लोगों को, और करेला की सब्जी क्या है कि जाल टाइप में तैयार की जाती है, जैसे हम जो बल्ली टाइप बल्ली लगा के जाल तैयार करते हैं, और उस हिसाब से हम करेला की खेती लगाते हैं। और करेला जैसे जनवरी में लगाया हुआ करेला वही अप्रैल या मई में स्टार्ट हो जाएगा, और ये 7 से 8 मंथ की सब्जी होती है करेला की, और जब तक ये मंडियों का भाव होगा करेला का 50 से 60 रुपये, तो ये करेला की कृषि कर सकते हैं। इसी प्रकार उसके बाद हम लगाएंगे मिर्ची की कृषि, मिर्ची के अंदर ये वाली मिर्ची लगाएंगे हम। अब मिर्ची में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि नर्सरी के ऊपर हम फोकस रखेंगे, नर्सरी मतलब कि हम आसपास के क्षेत्र में अगर नर्सरी बनी बनाई ला रहे हैं तैयार की हुई पहले से ही, तो उसमें बीज का सबसे अहम रोल है, बीज का ध्यान रखना होगा किस प्रकार का बीज है। मिर्ची के अंदर दो प्रकार की मिर्ची आती है, एक तीखापन एक कम तीखापन, तो जो तीखापन होती है ना उस मिर्ची की रेट सबसे हाई होती है, मतलब उसका भाव सबसे अधिक होता है, और जो कम तीखी होती है उसकी रेट थोड़ी कम होती है, जो कम तीखी होती है वो लंबी होती हैं, लंबी मिर्च मतलब हाई, और जो तीखीपन होती हैं वो थोड़ी मीडियम साइज़ में होती हैं। तो इस प्रकार की मिर्ची हमें लगानी होगी, और उस टाइम मिर्ची की का भाव होगा वही 50 से 60 रुपये के जी जब तक मंडी में जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अलावा हम तरबूज लगा सकते हैं हमारे खेत के अंदर, और खरबूजा लगा सकते हैं। तरबूजा खरबूजा एक ऐसी फसल है कि जैसे जैसे गर्मियों का मौसम हो आएगा, ऋतुएं चेंज होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, उस हिसाब से हमें तरबूज की मांग बाज़ार में बढ़ती चली जाती है, उस हिसाब से रेट मिलेगा हमें तरबूज का। और ये तरबूज वही अप्रैल मई के समथिंग मतलब अच्छा भाव मिलने लग जाता है तरबूज का, और ये तैयार हो जाता है, मतलब आना स्टार्ट हो जाता है तरबूज की फसल के अंदर, तो हम तरबूज लगा सकते हैं। अभी मैंने तरबूज की बात की, तरबूज का भाव आपको 20 से 30 रुपये के जी के हिसाब से मिलेगा उस टाइम, और एक ही तरबूज 5 से 7 के जी के लगभग मिलता है, 5 के जी में मिल सकता है, 4 के जी में, 4 के जी से तो बहुत ही कम मिलते हैं, यही बाकी 4 के जी में आजकल हाईब्रिड किस्म चल रही हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ ककड़ी की खेती की, ककड़ी ये वाली ककड़ी लगाएंगे हम। ककड़ी भी जैसे हम जनवरी में लगा सकते हैं ककड़ी, और ये आखिरी में जाकर इसका भाव मतलब वही 30 से 40 रुपये मिलेगा हमें मंडियों में, अच्छा भाव होता है। इसके साथ हम खीरा की कृषि कर सकते हैं, खीरा की हम स्वयं नर्सरी तैयार कर सकते हैं, नहीं फिर नर्सरी ला भी सकते हैं, तो खीरा की भी बहुत डिमांड होती है गर्मियों में। और ये क्या है कि जैसे ब्याह शादियों में आजकल इसकी सलाद वगैरह बनती है, तो खीरा की भी अच्छी डिमांड होती है मार्केट के अंदर, मतलब कि खीरा का भी अच्छा मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं हम खीरा की कृषि में भी। इसके साथ साथ हम ग्वार लगा सकते हैं, ग्वार लगा सकते हैं। अब ग्वार में मैं सबसे टॉप वैरायटी बता देता हूँ, स्वाति 222 है ग्वार के अंदर, अंकुर है, अंकुर का ग्वार भी शानदार आता है, इतना सा पौधा होता है उसमें ग्वार आना स्टार्ट हो जाता है स्वाति नंबर 222 में अंकुर में, और इसका रेट होता है जब ये आना स्टार्ट हो जाता है तो 60 से 70 रुपये के जी मिलेगा आपको ग्वार मार्केट के अंदर। इसके साथ हम टमाटर, टमाटो की कृषि कर सकते हैं,
टमाटर हम अब क्या है कि हम बेड बनाकर भी लगा सकते हैं टमाटर, और ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं उसमें, जैसे बूंद बूंद करके पानी जाता रहेगा टमाटर के अंदर, और जैसे फर्टिलाइज़र देना हो तो उसके मशीन आती है, जो उपकरण आता है ड्रिप में, उसके द्वारा ड्रिप के सिस्टम से ही दे दिया जाता है फर्टिलाइज़र। और टमाटर का नॉर्मल से नॉर्मल 20 से 25 रुपए तो रहेगा भाव उस टाइम। तो इस प्रकार की कृषि करने की आवश्यकता है हमें। और इसके अलावा हम मूली लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। धनिया जो जड़ वाला आता है ना मार्केट में, सीधा जड़ सहित आता है इतना लंबा लंबा, तो वो वाला धनिया लगा सकते हैं हम, उसका भाव भी बहुत अच्छा होता है मार्केट के अंदर। मूली लगा सकते हैं। तो ये सभी बातें ध्यान में रखने की है। अब मैं आपको, हमारे किसान साहब हैं अमित चंद सैनी जी, तो मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। तो ये काफ़ी टाइम से कृषि क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हैं। हाँ जी बोलो। सभी भाइयों को राम राम। और तरबूज की खेती ये सुल्तान भी सबसे बढ़िया है। अच्छा, आप तरबूज की कृषि कितने दिनों से कर रहे हो, मतलब लगभग कितने साल हो गए? 5-6 साल से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप सुल्तानी लगाते आ रहे हो? यस सर। अच्छा, तो इसका आकार कितना क्या हो जाता है? 6-7 किलो का पीस आता है। 6-7 किलो का पीस आता है। तो आपके तो मतलब यहाँ खेत से ही ले जाते होंगे व्यापारी लोग? यस यस। हाँ, गाड़ी गाड़ी जाती होगी। अच्छा अच्छा, तो अब तरबूज लगाओगे? लगा दिया, तरबूज लगाएंगे अब। अच्छा, जमीन तैयार कर? तैयार है जमीन, देखो। अच्छा अच्छा, अब इसमें बाऊ लगवा के तैयार हो गई है जमीन तरबूज की खेती के लिए। अच्छा, इसके साथ और कुछ भी लगाओगे? और कुछ, ये तो गुआर उवार भिंडी उंडी लगाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसी टाइम लगाते हो फिर कुछ आगे पीछे? बस 10-15 दिन में लगने वाले हैं। अच्छा जी जी, इस महीने में लगा देंगे जी। तो आप शानदार प्रॉफिट ले रहे हो? यस। तो पिछली बार कितनी, क्या कितनी बीघा में थे आपके तरबूज? तरबूज 2 बीघा में थी। अच्छा, तो कितना क्या मुनाफा प्राप्त हुआ? बढ़िया मुनाफा प्राप्त हुआ है, 20-25 रुपए किलो बिके थे तरबूज। अच्छा अच्छा, देख लो। तो किसान भाइयों, मैंने अभी ये अपने किसान भाई साहब हैं तो इनसे मैंने बात करवाई, इनसे आपको बारे में बताया, या अभी तरबूज के बारे में बताया कि मैंने सुल्तान वैरायटी डाली थी और 6-7 kg के लगभग बैठ जाता है, और 20-25 रुपये kg पिछली बार भी गया था हमारा तरबूज। और अभी ये ज़मीन तैयार कर दी गई है, इनका ही खेत है ये, और इसमें ये तरबूज लगाने जा रहे हैं कुछ दिन में। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। तो हम जनवरी के अंदर ये सभी सब्जियां डाल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा हमें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपकी सेवा में मैं हमेशा तत्पर हूँ। और मैं फिर से प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है, एक मेरी हाथ जोड़ के, कि प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों को मैं नई से नई अपडेट आपके पास पूछाता रहूँ।